मंदसौर जिले के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में निर्माणाधीन सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के पास देश का सबसे बड़ा और वजनी घंटा स्थापित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्थापित किया गया ये घंटा दुनिया का सबसे वजनी और सबसे बड़ा घंटा है, जिसको बनवाने के लिए कामधेनु संस्था ने घर घर यात्रा निकालकर तांबा पीतल जैसी धातुएं एकत्रित की थी। मध्य प्रदेश के दतिया में रतनगढ़ माताजी मंदिर में 1635 किलो घंटा स्थापित है। रविवार को सहस्त्र शिवलिंग मंदिर परिसर में महाघंटा की स्थापना की गई। महाघंटे के लिए वर्ष 2017 में अभियान चलाया गया था श्री कृष्ण कामधेनु संस्था द्वारा, जिसे 150 यात्राओं के माध्यम से मंदसौर शहर और ग्रामीण इलाकों में तांबा पीतल जैसी धातुएं एकत्रित कर इसका निर्माण किया गया। भक्तों ने भी अपने घरों में पड़े पुरानी धातुओं से बने बर्तन महाघंटा निर्माण के लिए दान में दिए। दान में मिली धातुओं से महाघंटे का निर्माण गुजरात के अहमदाबाद में करवाया गया है। महाघंटे के बाहरी किनारे पर भगवान पशुपतिनाथ की आकृतियां बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों महाघंटे का उद्घाटन किया जाएगा और इसी दिन सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भी मुख्यमंत्री के हाथों में की जाएगी। घंटा अभियान मंडली का गठन किया और ऐसा योजना बनाई कि कैसे इकट्ठा किया जाए, तो बर्तन होते हैं पीतल और तांबे के जो कि अब उपयोग में नहीं आने लग गए हैं, तो हम लोगों ने एक प्रत्येक रविवार को कि हम लोग एक यात्रा के माध्यम से निकलेंगे और पीतल तांबे के बर्तन इकट्ठा करेंगे और प्रत्येक रविवार को फिर पूरी मंडली निकलती और एक दो घंटे में एक एरिया वाइज निकलते हम लोग और ढोल बाजों के साथ निकलते और आह्वान करते कि भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ एक अपन विशाल घंटा बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप जो भी सहयोग करना चाहें करें पीतल तांबे की वस्तु। तो लोगों ने बड़ा आगे रह रहे कि इसमें बर्तन घड़े तपेली ऐसे जो उपयोग नहीं आ रहे थे वो बर्तन हमारी मंडली को दिए, जिसको गला कर ये कि ये महाघंटा यहाँ पे तैयार किया है। जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं तो उन्होंने इसमें पूरा अपना एक आइडिया लगाया कि इस पर 37 क्विंटल वजन है, तो लगभग इसमें इसका 3 गुना वजन सहन कर ले, ऐसा स्ट्रेचर उन्होंने तैयार किया और अब जाके उन्होंने कल ये उनकी जो 10-15 दिन की मेहनत है वो यहाँ रंग लाई और मंदिर में महाघंटा। गाँव घूम के लगभग 40 क्विंटल के आसपास पीतल और तांबा एकत्रित किया था और करीब 2 साल पहले ये घंटे का निर्माण हो गया था। घंटे की स्थापना पेंडिंग थी तो कल जो है घंटे को हमने बहुत ही एक जैसे होता है कि जो सबसे अच्छा स्थल है उसको चुन के वहाँ स्थापित कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पधारेंगे तो उस समय घंटे का भी जो है एक तरह से विमोचन उनके माध्यम से कर दिया जाएगा। नारू भाई ने इसमें, हाँ नारू भाई इसमें बहुत ही महत्व, जब घंटा बना था तब घंटा बनाने में मुझे बताया गया कि उनका बहुत बड़ा योगदान था और इस घंटे के स्थापना में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे क्योंकि बहुत 37 क्विंटल से ज़्यादा का घंटा है, तो मैं भी डर रहा था कि इसको स्थापित करते समय कोई दुर्घटना ना हो जाए और इस तरह की नहीं हो, क्योंकि पूर्व में ऐसा हो चुका है, लेकिन नारू भाई इसमें आगे आए और उन्होंने 15 दिवस में ये काम पूरा कर दिया। मुझे इसमें ये भी बताया गया है कि बहुत सारे इसके कल पुर्जे दूसरे राज्यों से राजकोट से भी बुलाने पड़े नट बोल्ट वगैरह, लेकिन बहुत ही सुरक्षित और जैसा हम चाह रहे थे उससे भी अधिक भव्यता से स्थापित हो गया, इसमें नारू भाई का बहुत बड़ा योगदान। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के निकट बन रहे सहस्त्र शिवलिंग मंदिर में जितने अद्भुत और दुर्लभ सहस्त्र शिवलिंग प्रतिमा है उतना ही अजब संयोग है इस मंदिर से जुड़ते जा रहे हैं। जहां मंदिर में प्रतिमा को स्थापित करने के लिए इंजीनियरों ने हार मान ली थी, तो वहीं शहर के अनपढ़ मकबूल और बर्फ के टुकड़ों के साथ प्रतिमा को आसानी से स्थापित करवा लिया गया। अब महाघंटा लगाने के लिए जहाँ इंजीनियर और प्रशासन के अधिकारियों ने मना कर दिया था, तो वहीं शहर की दूसरी पास इंजीनियर नाहरू भाई ने न सिर्फ महाघंटे को बेहतर तरीके से स्थापित किया बल्कि इसे भक्त बजा भी पाएंगे। घर घर जाकर जो तांबे पीतल की जो व्यवस्था की हर घर हर श्रद्धालु ने दी, हर अपनी तरफ से जो उनसे बन सका वो सब ने प्रयास से, हर आदमी ने किसी ने पीतल दिया किसी ने तांबा दिया और आज ये महाघंटा जो है कम्प्लीट होकर, हमने इसको 2 साल तक तो इसको ट्राली पर रख रखा था और ट्राली पर रखने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मैंने कलेक्टर साहब से बात करी कि इसको स्थापना करना है, तो स्थापना के लिए हमारे विधायक जी ने और ये जगह चुनी और ये जगह चुनने के बाद में उनने जवाबदारी मेरे को दी, नारू भाई ये आप जानो क्या, और मेरी मंदसौर की जनता को इतना विश्वास है मुझ पर कि नारू भाई जो कार्य करेंगे वो अच्छा करेंगे और मैंने इसमें जो है जितना हो सका उतना अच्छा से अच्छा मटेरियल लगाकर नीचे फाउंडेशन भी अच्छा लिया मैंने
नीचे फाउंडेशन भी अच्छा लिया है इसमें, ग्राउंडिंग बोल्ट वगैरह सब हेवी लिए मैंने, ताकि 30 टन वजन भी इस पर लटका दो तो कुछ भी नहीं, आराम से चेन करेगा। और फिर हमने इसको यहाँ स्थापित कर जैसे तैसे करके मैंने इसको पूरा स्थापित किया। कलेक्टर गौतम सिंह ने भी इस पर हैरानी जताई थी कि उन्हें भी विश्वास नहीं था कि महाघंटे को इस तरह स्थापित किया जा सकेगा, इसे श्रद्धालु बजा भी सकते हैं। इसके साथ ही मंदिर निर्माण में भी कई दिव्यांग कार्यकारों ने अपनी सहभागिता निभाई है। मंदसौर से प्रीत शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।